फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग डेरिवेटिव में किन किन तरीके से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, डेरिवेटिव में जो फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है उसमें तीन तरीके होते हैं काम करने के दोस्तों। पहले तरीके के दोस्तों कहते हैं हम लोग स्पेकुलेशन, दूसरे को कहते हैं हेजिंग और तीसरे को कहते हैं आर्बिट्रेशन। आई रिपीट, पहला होता है स्पेकुलेशन। अब स्पेकुलेशन में क्या होता है दोस्तों कि हम लोग मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल ट्रेडर जिनके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, जिनके पास लिमिटेड कैपिटल है, वो क्या करते हैं, किसी से टिप लेते हैं, किसी से एडवाइस लेते हैं, जिनको शायद वो ठीक से जानते भी नहीं है, और उनके कहने पर वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जोखिम लेते हैं, रिस्क लेते हैं। इसी को दोस्तों उनको हम लोग जिस कैटेगरी में डालते हैं उस कैटेगरी का दोस्तों नाम हमने रखा होता है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब मार्केट में काफी ज्यादा स्पेकुलेशन, मतलब इन टर्म्स ऑफ हिंदी उसको ये कहते हैं कि जिसकी प्रिडिक्शन हम भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते हो, आप एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू गैम्बल। अब दोस्तों स्पेकुलेशन दो तरीके से होती है, पहला लॉन्ग, दूसरा शॉर्ट। लॉन्ग मतलब क्या दोस्तों कि मैं मार्केट में वन साइडेडली बाई किए जा रहा हूं, मैं नीचे नहीं देख रहा हूं कि मार्केट गिर भी सकता है, मार्केट करेक्ट भी हो सकता है, मार्केट में लॉस भी हो सकता है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं हर मोमेंट पे बाई कर रहा हूं, बाकी ये सोच के कि बाई लो एंड सेल हाई, तो मैं यही सोच के मार्केट में बाई पे बाई, बाई पे बाई, बाई पे बाई किए जा रहा हूं। दोस्तों दूसरी चीज जिसको कहते हैं हेजिंग। हेजिंग क्या होती है दोस्तों? हेजिंग मतलब क्या होता है कि हम लोग अपने रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं। मिटिगेट करना मतलब हम लोग अपने रिस्क को कंट्रोल कर रहे हैं। तो दोस्तों रिस्क कंट्रोल करने के लिए हमेशा हेजिंग की जाती है। हेजिंग में क्या होता है दोस्तों, हम लोग अपने लिमिटेड कैपिटल को दोनों तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, एक अपसाइड में और एक डाउनसाइड में। अपसाइड वाले को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, अपसाइड वाले को हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए बाई करते हैं और डाउनसाइड वाले को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हेजिंग। तो जितने भी वर्ल्ड के बड़े डेरिवेटिव कंपनियां हैं, बड़े जो फंड मैनेजमेंट हाउसेज हैं, हेज फंड मैनेजमेंट कंपनियां, वो लोग हमेशा डेरिवेटिव प्लेट में हेजिंग यूज करती हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी बंदा रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि जब बात करोड़ों रुपए का हो तो कोई भी बंदा वन साइडेड पोजीशन नहीं क्रिएट कर सकता, तो उसके लिए हम लोग दोस्तों हेजिंग करते हैं। और तीसरी चीज जिसको कहते हैं आर्बिट्राज। आर्बिट्राज दोस्तों पहले के टाइम पे बहुत फेमस था, आज के टाइम आर्बिट्राज थोड़ा मार्केट से कम हुआ है। पहली चीज आर्बिट्राज में क्या होता है दोस्तों, आर्बिट्राज में ये होता है कि जो भी मार्केट में लिमिटेड कैपिटल है हमारे पास, हम लोग उसके टू एक्सचेंजेस में या टू पोजीशंस क्रिएट करते हैं फॉर द सेम टारगेट, और उसमें बाय और सेल के बीच में जो स्प्रेड होता है उसको हम लोग आर्बिट्राज बोलते हैं। तो बाय और सेल के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग मार्जिन के थ्रू रिप्लेस करते हैं और उसी को हम लोग आर्बिट्राज कहते हैं। तो मार्केट में जो आर्बिट्राज ट्रेडर्स हैं दे आर परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल इन द पास्ट, बट अब चूंकि रूल्स के एक्सचेंजेस इतने टाइट हो गए हैं और यहां पे मार्केट में कहीं ना कहीं आर्बिट्राज में जो गैप्स था वो खत्म हो गया है, तो आज के टाइम मान के ये चला जाए कि आर्बिट्राज की ट्रेडिंग कम हो गई है। मैं कह नहीं सकता बंद हो गई है, बट ऑलमोस्ट नाउ इट इज नल। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा जो पैसा बन रहा है आज के टाइम वो कहीं ना कहीं हेजर्स का बन रहा है, क्योंकि स्पेकुलेशन में अगर आप लॉन्ग करते हैं, मार्केट में वन वे जाते हैं, तो हो सकता है कि आपको नुकसान उठाना पड़े। तो दोस्तों इन तीन कंडीशंस और इन तीन में से आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से डिसीजन में साथ जाना चाहोगे मार्केट के। तो दोस्तों आशा करता हूं ये तीनों टेक्निक आपको समझ में आई होगी, जो कि आपको हेल्प करेगी फ्यूचर एंड ऑप्शंस को फ्यूचर में ट्रेड लेने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।